चलहिं बारात सुनत सब रानी, 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 निकल मीन गन जनु लगु पानी, निकल मीन गन जनु लगु पानी। बारात के जाने का समय आया, विदा का। विदाई के लिए महाराज दशरथ जी ने बार बार कहा, तब सतानंद जी महाराज के कहने पर, वैसे जनक जी तो जाने ही नहीं दे रहे, अरे महाराज एक दिन और रुक जा। एक दिन करते 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 कितने महीने हो गए, 6 महीना हो गए, रोज जाने को कहते हैं। तब जब कहा कि देखो भाई इन्हें जाना तो पड़ेगा ही, कितने दिन तक रोकेंगे, अब जाना तो पड़ेगा। बारात की विदा होने लगी, खूब सामान दिया, हाथी दिए, घोड़े दिए महाराज जनक ने। जहां विदा भई, प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनवास, मानहु कीन विदेहपुर करुणा बिरहि निवास, करुणा बिरहि निवास। करुणा में पूरा विदेह नगर छा गया, चारों भैया और चारों मैया विदा हुई, जय जय रघुरैया। विदा होकर के चारों भैया और चारों मैया और जय जय रघुरैया चले। अयोध्या में स्वागत हुआ कौशल्या आदि माताओं ने, बड़ा दिव्य स्वागत किया, जय हो बहु रानी आ गई। सोई अब तो माता जी बड़ी खुश हैं, अरे हमारे राम जी गए थे अकेले, दुल्हन लेके आए, वाह वाह वाह, आहा। सोई जानकी मैया, चारों मैया पहुंची, चारों भैया पहुंचे। अब एक नेंग होता है नियम, नेंग क्या होता है, मुंह दिखाई का। तो सासू मां मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ बहू को देती है। एक जने संत हमसे कह रहे थे, महाराज श्री जानकी मैया ऐसी लग रही थी कि दर्पण है कि दर्पण नहीं, जानकी मैया है कि जानकी मैया में दर्पण है, इतनी अद्भुत। हाँ, अब माता जी ने सोचा क्या दें, कौशल्या माता ने, सब रानी माता ने तो दे दिए, पर कौशल्या माता ने सोचा क्या दें जो बहू के लायक हो। पूरे भवन में देखा पर बहू के लायक कुछ नहीं दिखाई पड़ा। सोई नील सरोवर नीलमणि, राम जी का हाथ पकड़ा और जानकी जी के हाथ में रख दिया कि मुंह दिखाई में तुम हमारे रघुनाथ जी ही ले लो। हाँ, कितना बढ़िया नेंग दिया। आजकल की माताएं मुंह दिखाई में देती रुपया या कुछ गहना है, न क्या नथनी है। हाँ, पर धन्य है कौशल्याम्बा, कौशल्याम्बा ने रघुनाथ जी को ही दे दिया, ले श्री सीताराम। रघुनाथ जी मैया बड़ी प्रसन्न, महाराज दशरथ खूब प्रशंसा करते हैं जनक जी की, वाह अद्भुत हुए, क्या अद्भुत स्वागत हुआ। साब अम्बा बैठी, पूरा गांव, पूरा 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 राज समाज बैठा है, सबको महाराज जनक की प्रशंसा सुनाई जा रही है। और यही होना चाहिए गृहस्थ में, जितने भी गृहस्थियों के विवाह होते हैं, हमारी प्रार्थना है किसी की बेटी लेकर के आओ तो उसके गुणगान अवश्य गाओ। हम लोग बोले और तो सब ठीक था, नमक नहीं दिया, अरे न कटा ते नमक भर खावे गो तो। अच्छा सब मिल गया, सबको नमक मिला, तुम्हें नहीं मिला सुबह, अरे भैया और तो सब ठीक, नमक नहीं दिया, पानी को बैठे ही रहे, पूछा ही नहीं है। अरे जिसने अपना टुकड़ा हृदय का तुम्हें बेटी दान दे दिया हो, अब उससे भला तुम क्या चाहते हो।
सिया को दे दिया। हा हा, खूब आनंद छाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड को यहां विराम करते। सिया रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावें सुनई, तिन करु सदा उछाल मंगला यतन राम जसु। श्री राम जय जय।